पीपल्स कॉलोनी के इलाके डी ग्राउंड में शॉपिंग सेंटर की पहली मंजिल पर अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू 112 और म्यूनिसिपल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौका पर पहुंची, मगर आग कम होने की बजाय बढ़ती गई। देखते ही देखते फ्लोर के बाद पूरा शॉपिंग सेंटर आग के शोलों की लपेट में आ गया। प्लाजे का मालिक उम्र भर की जमा पूंजी जलती देखता रहा। ग्रॉसरी थी, कॉस्मेटिक्स था, ज्वेलरी थी, वो क्रॉकरी थी, टॉयज थे, इस तरह की चीजें थी। के पास सही इंतजाम होते तो ये तीसरे फ्लोर या दूसरे फ्लोर पर आग जा ही नहीं सकती थी। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक शॉपिंग सेंटर की इमारत में कोई इमरजेंसी रास्ता तक ना था, इस वजह से आग पर काबू पाने में ताखीर हुई। ये कोई शॉर्ट सर्किट ही है जो, और बाकी इंशाल्लाह हम इसकी इन्वेस्टिगेट करेंगे, बाकी थारोली आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑपरेशन तो फिर ही कोई फाइनल बता सकते हैं कि और क्या रीजन है इसका। जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया जल कर राख हो गयी। रेस्क्यू दारों के मुताबिक नुकसान का तखमीना 1.5 करोड़ रुपए से जायद है। दुकानदार मुत्तफिक थे कि इमारतों की तामीर के दौरान हिफाजती इकदामात और रेस्क्यू अदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाना वक्त की अहम तरीन जरूरत बन चुका। कैमरामैन आबिद मिनहास के साथ मुहियुद्दीन, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद।